नमस्कार दोस्तों, खबर लहरियत फेसबुक लाइव में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बेलाताल कस्बे में मौजूद हूँ, जहाँ पर 1800 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मेला लग रहा था। हर साल की भांति इस साल भी लगा हुआ है, लेकिन बदलाव इतना ही है कि जो पहले झूले, सरकस, बहुत सारे आइटम आते थे, इस साल नहीं आए हुए हैं। पर लोगों के मनोरंजन के लिए तो मेला लगा ही हुआ है। जो महिलाएं खासकर घर में बैठे बैठे हो जाती हैं, और यहाँ पर मेला से कुछ मनोरंजन होता है और घरेलू चीज़ें भी खरीदती हैं। तो आइए हम यहाँ आपको मेला दिखाते हैं। कुछ महिलाओं से, कुछ दुकानदारों से पूछते हैं कि COVID-19 के चलते हुए किस तरह का मेला है। महिलाएं मेरा देखी हैं, एक घरेलू सामान भी खरीदे हैं, जैसे कप हैं और कुछ टोकरी, खेल खिलौने। भाई नाम आपका है क्या? हाँ, जो क्या नाम है आपका? कहो नहीं को। आप मेला देखा? मेला को कहो क्या खरीद लाई? ओ भाई, हमें पकड़ न लज, हमें नहीं खिंचवाना फोटो वोटो। तो देखिए महिलाएं किस तरह से कहती हैं कि पकड़ न लीजिए, हंसती हैं और मेला देखती हैं। जी आपका पर्ची, आपने मेला देख लिया? बता दो। अरे बता दीजिए, देख लिया कैसा लगा? अच्छा, बहुत चला। अरे थोड़ा सा बताइए तो। अरे भालू भाई जान बताएंगे। बहुत अच्छा लगा। हर साल आप देखती हैं मेला? यहीं के रहने वाले तो देखेंगे। अच्छा, मेला में कब कब जाते हैं ज्यादातर? जब मर्जी हुई जब चले जाते हैं, हम ना खा रहे। हर समय तो मेला नहीं लगता है। जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कल्पना पटेरिया है। कल्पना पटेरिया, आप लोग यहाँ कब से मेला लगा है? यहाँ पे मकर संक्रांति के उत्सव पे लगा हुआ है मेला, हर साल लगता है। हम लोग आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। अभी ऐसा एंजॉय करने को मौका मिलता है कि मेला में ही? हाँ, ज्यादातर मेला में ही मिलता है कि यहाँ सब लोग मिलती है, ज्यादातर टाइम लिमिट करते हैं। कुछ खाया पिया और मिले हैं, पूरा फुल एंजॉय किए मेले में। जल्दी खाना था।
मेरा नाम बिहारी बाबू कुलपहाड़। अच्छा, कहाँ से हैं? कुलपहाड़ से। कैसा है मेला? मेला बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हर साल आते हैं? हर वर्ष आता हूँ मैं, मतलब 35 साल हो गए मुझे आते हैं। आप लोगों को इस साल की किस तरह की सूचना मिली है कोविड-19 के चलते हुए? यहाँ कोविड-19 के चलते हुए सूचना ये मिली है कि मेला नहीं लगना है, लेकिन यहाँ गांव के लोगों ने और हमारे प्रधान ने जो हैं तो उन्होंने और हम दुकानदारों ने ज़्यादा जोर दिया है कि आप इस कोरोना वायरस में इस मेला को लगाइए, क्योंकि हम लोग सड़क पर आ गए हैं, जिसका लिया हमने नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से हमने उनसे गुजारिश की और उन्होंने हमारी सुनी और हमने मेला लगा लिया। जी, तो कैसा चल रहा है मेला? अभी तो मद्दा चल रहा है, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है और हो सकता है कि बुधवार से मेला चलेगा। जी, आशा है। आशा है। और देखो, हमको उसको करना है अगर हो या ना हो, ठीक है। कितने दिन में मेला लगाए हुए हैं? जो अभी आज तीसरा दिन हुआ है, जबकि ये 14 तारीख को लग जाता था, 14 को नहीं लगा, 17 को लगा। कोविड-19 के चलते हुए और भी पहले आप दुकानें लगाए हुए हैं? पहला मेला है? हाँ, नहीं, मैंने अभी और भी मेले किए हैं, जैसे एक आपका लाड़पुर का किया है, वो कमालपुरा का किया है, इसके पहले मैंने अभी एक और किया था और आपके गुलाब मेला तो अच्छी फोटा तो मिली है, ठीक है। और ये शिकायत नहीं मिली है कोरोना वायरस में कि मतलब कोई दिक्कत आ जाए। और जब हम लोग बिहार निकले, हो सकता है कोरोना बहुत दूर है, ठीक है। कैसे आप संबंध दे रहे हैं लोगों को? सामान तो ग्राहक को पता रहता है, पहले से पता रहता है कि जिस 2 रुपए की आती है, जिस की फेन लवली प्याज की आती है, 55 की आती है, वो तो 50 पैसे बना के देते हैं। कैसे देते हैं? दुनिया के लिए जैसे वो डंडा लगा है मेरा, उस डंडे से वहीं खड़े रहते हैं ग्राहक, और उन्होंने कहा कि भाई हमको फलाची दे दिया, चले गए। 2-3 दिन लोग आते हैं, चले जाते हैं और देख भी रही हैं आपकी, यहाँ भी कोई भीड़ भी नहीं है। क्या नाम बताया? मेरा बिहारी बाबू कुलपा। तो आपने देखा कि बिहारी बाबू ने किस तरह से बताया है कि मेला ना लगने के कारण हम लोग रोड पे आ गए थे कोविड-19 के चलते हुए। अब हम हर गांव के प्रधान या फिर जो भी वहां के सक्षम होते हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि यहां पर जहां पर ऐतिहासिक मेला होता है वहां पर मेला लगना जरूरी है, ताकि हम लोगों की रोजी रोटी चल सके और रोड में ना पड़ना पड़े। तो चलिए और भी मिलाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या खरीद लिया है? मम्मी, आप कभी रिश्ती का सामान लेकर आए हैं क्या? अरे बताइए कुछ। क्या नाम है आपका? कहाँ से लाए हैं? ये तो मेला से लाया। कहाँ से लाए? क्या क्या लिए हैं गृहस्थी का सामान? देख लो भाई, खा खा। अच्छा, महिलाएं क्यों इतना गृहस्थी का सामान खरीदती हैं? कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? अब बताते ही नहीं है, अब बस साल नहीं आता। अरे आप ही बताइए। अरे हम कौन का छू लिया ही नहीं, हम तो क्या खरीद रहे हैं? अच्छा अच्छा बड़े छोटे लोग एक काम आए, हम बता नहीं रहे, 320 का आए ले लो।
आजाद हो गया। आपने मेला देख लिया? क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा, क्या क्या खरीदा है? झूला उला झूला है नहीं? झूला है, आए हैं कि नहीं आए? नहीं। कैसा, क्या नाम है आपका? बता भी नहीं नाम। क्या नाम है? खुशी। खुशी, क्या क्या लिए हैं? खरीदा है मेले में सामान लेना। सामान लिया क्या? कैसा लग रहा है मेला? अच्छा लग रहा है। कितने का लोन है? क्या लग रहा था कि मेला लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ बताएं? क्या बताएं हम? क्या नाम है आपका? रोशनी। कहाँ से है रोशनी? यहीं पे बेलाताल घुसियाना मोहल्ले जी। हाँ। आपको क्या लग रहा था पहले कि मेला लगने वाला है नहीं लगने वाला? पहले तो लग रहा था कि नहीं लगेगा, लेकिन बाद में पता चला कि लग गया। हाँ, तो जब लग रहा था कि नहीं लगना है तब कैसा महसूस करती थी? तब लग रहा है बेकार, क्योंकि हर साल मेला में जो मजा आता है वो इस साल नहीं आता, तो क्या होता? वो अच्छा लग रहा है, मेला लगता है। इस साल क्या क्या नहीं है जो पहले आता? झूले नहीं है, सर के झूले, बड़े बड़े झूले नहीं है, और सब कुछ है। मतलब झूलती थी? हाँ, इस साल है ही नहीं। जी बहन जी, बहुत ही परेशान थे हम लोग, दुकानदार को कि अटल के मेला गरीब आदमी है तो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। बहुत अच्छा है कि जो भी उसने मेला लगवाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग बहुत परेशान थे। इस वजह से जो है मेले में जो दुकान लगी है अपनी वो लगी है, तो अपने बच्चे पाल रहे हैं, दो पैसे चलो आ रहे हैं, नहीं तो साल भर से बहुत ही परेशान है। उम्मीद नहीं थी सर, वो तो लग गया है, प्रधान जी की कृपा हो गई, मौला जी की, तो उसने लगवा दिया है बेचारे ने। आपने कैसे, आपको पता चला कि मेला लग गया है? उन्हीं ने बताया, प्रधान जी ने, कि भैया मेला लगवा रहे हैं। अरे हमने कहा वाह सरकार, बहुत बढ़िया है, मेला लगवा रहे तो आप बहुत अच्छा रहेगा, तो उन्हीं ने लगवा दिए, तो चलो अपने बैठे हैं अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ही परेशान थे। साल भर हो गई सर, साल भर से परेशान है। कहाँ से हैं आप लोग? हम यहीं के हैं, बेलाताल के। काहे की दुकान लगाए हुए हैं? खिलौने की लगाए हैं, वहाँ जूते चप्पल की लगाए हैं सर। तो जब से कोरोना लगा, जब से आप कहीं पर दुकान लगाए थे? नहीं, कहीं नहीं लगाई दुकान, जब से बहुत परेशान रहे। अब कैसा लग रहा है आपको? अब सही है, चलो जनता आ रही है, दो पैसे मिल रहे हैं, सौदा ले रही, बच्चे ले रहे, कुछ तो अपना काम चल रहा है। कितने दिन का मेला है? मेला है 28 तारीख या 30 तारीख तक बस, इसके बाद खत्म। शुरू कब से हुआ है? अभी आज ही से, कल से तो शुरू हुआ है मेला। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। हमारा नाम है छुट्टन। तो दोस्तों, मेला देखने वाले तो खुशी होते हैं, हमेशा ही खुश होते हैं, लेकिन इस साल दुकानदार भी परेशान थे, जो मेला नहीं लग रहे थे, कोई खिलौने की दुकानें लगाते थे, बहुत सारी दुकानें लगाते थे, लेकिन बहुत वो लोग दुकानदार परेशान थे। और यहाँ पर बेलाताल में मेला लगा हुआ है, इससे बहुत लोग खुश हैं, जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनको आशा भी नहीं थी कि मेला लगेगा, लेकिन मेला यहाँ पर लग गया है, जो कहते हैं कि प्रधान की देन है, मौला जी ने लगवाया है। तो दोस्तों, मैं अपना लाइफ यहीं से समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बढ़िया।